चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर विवाद में रविवार को नया मोड़ देखने को मिला। भाजपा के मेयर मनोज सोनकार ने अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। उनका इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सामने आया है। चर्चा ये भी है कि शनिवार को दिल्ली में हुई आलाकमान की बैठक में ही मनोज सोनकार को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। रविवार रात ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने भाजपा में शामिल होकर नए खेला को जन्म दे दिया है। आपके 3 विधायकों के भाजपा में जाने के साथ चंडीगढ़ नगर निगम में पार्टियों के संख्या बल की रूपरेखा बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट अगर फिर से चुनाव का आदेश देता है तो भाजपा के पास पहले से ज्यादा पार्षद होंगे और आप कांग्रेस गठबंधन की गिनती कम देखने को मिलेगी। और वही अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या। याद दिला दें कि चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव हुआ था। जब वोटों की गिनती हुई थी तो 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद भाजपा मेयर प्रत्याशी के जीत की घोषणा की गई थी। और वही चंडीगढ़ मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ लड़ा था। दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने चुनाव अधिकारी अनिल मसिया को कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने चंडीगढ़ और मेयर चुनाव की वीडियो फुटेज देख कहा गया था कि चुनाव अधिकारी बार बार कैमरे की तरफ देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ वह लोकतंत्र का मजाक था। और कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे।